NRTI यानी गाइस नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, ये वन एंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां आप रेलवे टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप यहां BBA या फिर BSc इन रेल ट्रांसपोर्टेशन, BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे सिस्टम्स, या फिर आप BTech इन रेल मैकेनिकल जैसे कोर्सेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रेल एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड MBA एंड MSc प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ये इंस्टीट्यूट 2018 में स्टार्ट हुआ था और इस रिगार्डिंग हमने तभी आपके लिए एक इंटीग्रेटेड वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तब हमें स्टूडेंट्स की काफ़ी कमेंट्स भी आई थी कि क्या सर यहाँ पे फ्यूचर कैसे होगा, क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए, क्या हमें डायरेक्ट रेलवे में जॉब मिलेगी या फिर किस टाइप के रिक्रूटर्स यहाँ आने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में थे और अभी भी हमें स्टूडेंट्स पूछते रहे हैं। और तब हम स्टूडेंट्स को कहते रहते थे कि डोंट वरी गाइज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, यहाँ IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन से प्रोफेसर आपको मिलेंगे और कई सारी क्वालिटी की और यूनिक स्टडी आपको रेलवे एंड रेलवे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में पढ़ाई जाएगी। और गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक यूनिक प्रोजेक्ट होने के कारण इसको फ्यूचर में काफ़ी डिमांड आएगी और ये इंस्टीट्यूट एक दिन NIT IIT लेवल का जरूर होगा। और गाइज तब हमने सभी हमारे यूनिक व्यूअर्स को ये भी प्रॉमिस किया था कि जैसे ही NRTI के प्लेसमेंट आते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के NRTI का प्लेसमेंट ट्रेंड्स देख लेते हैं। व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग फ्रेशर्स गेट, ऑलवेज सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइज NRTI का फर्स्ट बैच 2018 में स्टार्ट हुआ था जहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ BBA और BSc ये दो ही टाइप के कोर्सेज आप लोग के लिए थे और इनके एडमिशन के लिए आपको CUET UGA एग्जाम देनी पड़ती थी। बाकी यहाँ पे बाद में BTech और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस इन्होंने बाद में स्टार्ट किए थे। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे पास BBA एंड BSc के प्लेसमेंट स्टेटस भी आ गए हैं और BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस के जो भी प्लेसमेंट्स है वो इस ईयर एंड तक आने की संभावना है। सो गाइज BBA एंड BSc में टोटल 99 स्टूडेंट्स के एडमिशन थे जिसमें से 74 एलिजिबल स्टूडेंट्स को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट दिया है और उनको हायर किया है। और यहाँ का इस बार का हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर 9.3 लैक्स पर एनम का मिला हुआ है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी ने दिया है। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ का एवरेज सैलरी भी 4.1 लैक्स पर एनम का रहा है। नॉट बैड गाइस, स्टार्टिंग है तो काफ़ी अच्छा पिकअप हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 10 लाख के आसपास का यहाँ पे स्टूडेंट्स को पैकेज मिल रहा है। और रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ अल्ट्रा टेक इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को हायर किया है। इसके बाद यहाँ आदित्य बिरला कॉरपोरेशन के जितने भी डिविजन्स है उन्होंने स्टूडेंट्स को हायर किया है। रेलटेल यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है, उन्होंने भी स्टूडेंट्स को हायर किया है। फिर रेल विकास निगम जो गवर्नमेंट की कंपनी है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को हायर किया गया है। फिर रिलायंस हो, अदानी, हपांग लॉयड, TCS, महिंद्रा, ऑल कार्गो, सीमेंस, L&T जैसी टॉप क्वालिटी के रिक्रूटर्स ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया हुआ है। तो गाइज जिस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को NRTI प्लेसमेंट को लेके कुछ डाउट्स थे तो मैं समझता हूँ कि आज आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और प्लेसमेंट के अलावा भी यहाँ स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरीके से मेंटर किया जाता है और इसी का नतीजा है कि यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स IIM या फिर ISB जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में हायर स्टडीज के लिए एडमिशन ले चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये तो था NRTI का बेसिक प्लेसमेंट स्टेटस। आगे हम आपको NRTI रिलेटेड और भी कई सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आई होप आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशन स्टफ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।